हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया, देखिए पॉलीकैब आईपीओ आपने सुना होगा, चल के ओपन हो चुका है 5 अप्रैल से पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड का आईपीओ। तो सब लोगों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है, जब आईपीओ चल रहा होता है, अभी भी 2 दिन और बाकी है, क्योंकि ये आईपीओ बहुत बेहतरीन आईपीओ है, 2019 का पहला ऐसा आईपीओ है जो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया है, तो कितना हुआ सब्सक्राइब? तो क्वेश्चन ये है कि कितना हुआ सब्सक्राइब, और लोग चाहते हैं कि हम लास्ट डे पे सब्सक्राइब करें। और लास्ट डे पे जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था इसके रिव्यूज़ का, उसको आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, उसमें उससे आपको आईपीओ की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए, उस वीडियो से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। लेकिन अब जो ये वीडियो है, ये मेनली है कि हम अक्सर लोग क्या कहते हैं कि भैया कितना सब्सक्राइब हो उसी के बेस पे देखेंगे, यार 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, तभी सब्सक्राइब करेंगे, लास्ट मौके पे देखेंगे। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो कहते हैं यार जब सब्सक्राइब हो जाएगा ना, बहुत सारे लोगों की ये मैंटेलिटी होती है कि यार देखते हैं कितना सब्सक्राइब हो गया फिर देखेंगे, लोग खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं। क्योंकि वो सही बात भी है, कई बार ऐसा होता है कि आईपीओ आप अच्छा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं हुआ, सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, तो फिर वो आपको भी वो ऐसा होता है कि 400 रुपये पे बैंड है अभी, और बाद में वो ओपन होते होते वो 300 रुपये पर ओपन होता है, तो क्यों 100 रुपये का नुकसान लेना। लेकिन अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपको वो प्रीमियम पे मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट लिस्टिंग डेट के अंदर ही मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसकी, कितना सब्सक्राइब हुआ और कैसे देखें, उन सब पॉइंट्स को जानते हैं छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो मैं आपको सीधे लेके चल रहा हूँ यहाँ पे पॉलीकैब, पॉलीकैब आईपीओ की जब डिटेल हम देखें, यहाँ पे देखिए 5 अप्रैल से स्टार्ट हुआ। हल्का ब्रीफ दूंगा मैं इसका, बाकी डिटेल देखने के लिए आप उस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियो के लिंक पे क्लिक कीजिए, उसको देखिए और आपको क्लैरिटी मिलेगी। 5 अप्रैल को ओपन हुआ है, 9 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा, 6 और 7 बीच में सैटरडे संडे है, कोई उस दिन कुछ नहीं होगा, और 8 और 9 दो दिन आपके पास अभी भी बचे हैं। 5 अप्रैल क्योंकि जा चुका है, आज की डेट है 6 अप्रैल 2019। तो आप देखिए यहाँ पर जो फेस वैल्यू है 10 रुपये का शेयर, जो प्राइस बैंड रखा गया है 533 से 538 के बीच रखा गया है, 53 रुपीज़ एम्प्लॉय का डिस्काउंट है, मार्केट लॉट है 27 शेयर, 27 शेयर को आप गुणा कर लीजिए 500, मैक्सिमम अगर 538 के रेट से मिलता है तो आप देख लीजिए कितना, बीएससी एनएससी दोनों पे ओपन हुआ है। अब क्वेश्चन हमारा आता है कि भाई कितना अब तक सब्सक्राइब हो चुका है। तो ये एक वेबसाइट है, आपको ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, आपको मतलब डिटेल्स डेटा दे देती है, स्टॉक्स आईपीओ इन्फो, stocks.ipo.info। तो आप इसमें जब पॉलीकैब वायर सर्च करोगे, देखोगे इसका आईपीओ के बारे में, तो देखिए अभी तक QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ये दोनों का मिलकर है टोटल बिड बीएससी और एनएससी पे, फिर अलग अलग मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो QIB का जो सब्सक्रिप्शन है 1.96 हो चुका है अब तक, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर NII जिसको कहते हैं उसका 0.07 हुआ है अभी तक। रिटेल इन्वेस्टर का RII जो होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल इन्वेस्टर, उनका 0.27% हो चुका है, और इंप्लॉई का रिजर्व 0.46, मतलब इंप्लॉयज खूब इंटरेस्टेड है भैया, इंप्लॉई खरीद रहे हैं अभी तक, देखिए पहले दिन में ही अच्छा खासा इंप्लॉई ने अपने कोटा पूरा कर रहे हैं। अब देखिए टोटल अब तक ये मान के चलिए आप 71% हो गया, मतलब फर्स्ट डे में बस अभी पूरा जितने शेयर्स कंपनी दे रही है उसके 70% लोगों ने अप्लाई कर दिया है, बस 30% बचा हुआ और 2 दिन बचे हुए, याद रखिए। तो ये मतलब ओवर सब्सक्राइब जरूर होगा, पहले दिन में जब इतना हो गया तो दूसरे दिन का डेटा फिर कितना होगा, और फिर तीसरे दिन में, अब ये मान के चलिए तीसरे दिन बहुत लोग, अगर कोई सब्सक्रिप्शन पहले दिन में इतना हो जाता है और दूसरे दिन में ये 1 या 2 गुना हो जाए, तो तीसरे दिन में भर भर के लोग उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, और तीसरे दिन में वो भी 12 बजे के बाद तो लोग बिल्कुल। अब ये जो लाइव है, आप एक काम कीजिए, अप्रैल 9 तारीख को 12 बजे इस पेज को ओपन कीजिए और आपको डिटेल दिख जाएगी कि कितना परसेंट हो गया। ऑल्दो ये जो डेटा होगा ना उस टाइम पे जब आप 12 बजे करोगे तो ये 11 साढ़े 11 बजे तक का होगा, और अगर आप यहाँ को 1 या 1.5 बजे, क्योंकि 3 बजे तक की लिमिट होती है, 1.5 बजे या 2 बजे देख लीजिए एक बार, 1 घंटा आपके पास फिर भी होगा। आईपीओ अप्लाई करने में आधा घंटा भी नहीं लगता, अगर आप पहले अप्लाई कर चुके हैं आपको पता है तो आधा घंटा के 10 मिनट लगते हैं आईपीओ अप्लाई करने में, 10 मिनट। और अगर आप जीरोधा के यूजर और जीरोधा से अप्लाई करते हो, मतलब जीरोधा है जैसे ICICI बैंक है, ICICI बैंक से, तो दो चार मिनट लगते हैं आपको, अपनी डिटेल्स होनी चाहिए, सट फिल किया, आईपीओ कर लिया, 2-3 मिनट आईपीओ अप्लाई करने में लगते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पे अगर ये 2 बजे आपने देखा भैया ये 4 गुना 5 गुना 8 गुना हो गया है, तो आपने भैया देखो भाई सीधे अप्लाई कर लो, अलग अलग डीमैट अकाउंट है तो कर लो, क्योंकि अगर आपके हाथ लगा तो सीधे सीधे प्रॉफिट वहाँ पे मिलता है। जैसा अभी आपने HDFC AMC का आईपीओ आया था, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ,
वो आईपीओ मैंने खुद उस आईपीओ को लास्ट में देखा कि भाई बहुत सब्सक्राइब हो गया, उसको आईपीओ का अप्लाई किया, दो तीन डीमैट अकाउंट से, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट से आईपीओ को अप्लाई किया, तो वहाँ पे वो अच्छा खासा वो जहाँ जहाँ एलोकेट हुआ और लिस्टिंग डेट तक ही 1100 रुपये में मिला हुआ शेयर, दो एक दो हफ्ते बाद जब लिस्टिंग हुई तो सीधे 1800-1900 पे पहुँच चुका था, मतलब 600-700 रुपये पर शेयर का बैठे बैठे कुछ नहीं बस। और उसमें आईपीओ में आपका पैसा भी ब्लॉक होता है खाली, और लेकिन वो नहीं होता, मतलब आपके कटते नहीं है पैसे अब तक आपको एलोकेट नहीं हुआ, तो इसीलिए लास्ट डे में और लास्ट के 1 घंटे में बहुत फ़ायदेमंद सौदा हो जाता है। तो देखिए अब मैं बीएससी की बिड की अगर डिटेल की बात करूँ तो क्यूआईबी देखिए बिल्कुल, मतलब नंबर ऑफ शेयर जो ऑफर्ड है क्यूआईबी को वो है टोटल 50,04,000 शेयर्स, और अभी तक नंबर ऑफ शेयर्स जिनके लिए बिडिंग आ चुकी है वो है 98 लाख, मतलब क्यूआईबी जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है वो तो 98 लाख की उनकी बिडिंग आ चुकी है, 50 लाख कुल ऑफर किए हुए हैं डोमेस्टिक, जिसमें डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सारे। और अगर हम बात करते हैं एनआईआई, एनआईआई के लिए 37,37,000 जो है ऑफर दिया गया है, और वहाँ पे उनकी जो बिडिंग आ चुकी है वो 1,43,000, 0.03 अभी एनआईआई रोल में कम आए हैं। रिटेल इन्वेस्टर देखिए, रिटेल इन्वेस्टर ये अभी बीएससी की बात हो रही है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए 87,20,000 शेयर ऑफर किए हैं, जिसमें उन्होंने 16,26,000 की रिटेल की बिड आ गई। भैया रिटेल की बिड ज़बरदस्त आने वाली है यहाँ पे, और एफआईआई वगैरह तो लास्ट में रिटेल की बिड आनी शुरू हो चुकी है, एफआईआई क्या हुआ है और लास्ट डेट में अप्लाई करते हैं। और रिटेल सेगमेंट का देखिए जो कट ऑफ है, मतलब ऐसा होता है जो 533 का प्राइस था और दूसरा 538 का प्राइस था, तो जो कट ऑफ मतलब 14 लाख लोगों ने तो सीधे 538 डाल रखा है, देखिए कट ऑफ प्राइस मतलब लास्ट, चलो भाई जो मिलेगा ये, और प्राइस बिड 1 लाख लोगों ने, 1,94,000 लोगों ने ये प्राइस बिड वाला डाल रखा है। और इम्प्लॉई इम्प्लॉई के लिए 1,75,000 रिजर्व है, और बीएससी पे 68,000 लोगों ने बिडिंग कर स्टार्ट कर चुके हैं, तो बहुत बढ़िया। टोटल बीएससी पे 1,76,000 शेयर्स हैं, 1,76,037 शेयर हैं, जिनके लिए 1,16,071 1,76,037,000 इतनी टोटल बिडिंग है, जहाँ पे 1,16,71,000 इतनी बिडिंग आ चुकी है। टोटल कितने हैं, 1,76,00,000, तो 0.66% यहाँ पे भी हो चुका है, 66% सॉरी। अब एनएसी की डिटेल बात करते हैं, एनएसी पे अभी अभी देखिए अभी बीएससी पे अप्लाई हुआ है, एनएससी पे तो लास्ट डे बिल्कुल धड़धड़ धड़धड़ जाएगा। अभी क्यूआईबी एनआईसी एनएससी पे कितने 50 लाख शेयर्स हैं, तो कितने आए हुए हैं अभी देखिए, 50 लाख शेयर्स में से अभी कोई बिडिंग नहीं आई है। और एनआईआई बहुत कम बिडिंग है, रिटेल बहुत कम बिडिंग है, और एम्प्लॉई रिजर्व बहुत कम है, मतलब अभी सब बीएससी पे चल रहा है। एनएससी पे कल परसों एनएससी पे जब भाई एनएससी पे ना के बराबर डेटा है, तो ये आपको ज़बरदस्त मैं कहूँगा कि अच्छा खासा यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि लास्ट डे सेकंड लास्ट डे जो मैंने आपको बताया उस पॉइंट को अगर आप ध्यान रखें। अब एक चीज़ और देखते हैं, इस आईपीओ पे भी सट्टाबाजारी होती है, सट्टाबाजारी मतलब कि कितना क्या, तो यहाँ पे कई लोग पूछते हैं कि ग्रे मार्केट, अगर आप देखें कि ग्रे मार्केट, लोग ग्रे मार्केट के बारे में भी पूछते हैं कि ग्रे मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, तो देखिए पॉली कैप का प्राइस ग्रे मार्केट में देखिए जीएमपी टुडे, अगर आप देखा जाए 5 तारीख के डेट के हिसाब से 95 से 100 रुपये का जीएमपी है, इसको कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में भी आप देखिए, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 95 रुपये से 100 के बीच में चलता है आईपीओ में खास करके। तो यहाँ पे ये मान के चलिए कि ये कोई सेबी कंट्रोल्ड रेगुलेटर्स नहीं होते, और ये अलग ही एक मार्केट चलती है, इसको ग्रे मार्केट कहा जाता है, मतलब कि ये कि जो मेन आईपीओ से थोड़ा सा हट के है। तो आप यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, मैंने आपको बताने की कोशिश करी आईपीओ के लाइव सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया, और आपको ये बताने की कोशिश करी कि जो लास्ट टाइम पे लास्ट घंटे में और लास्ट आवर में जो आप अप्लाई करते हो वहाँ पे सब चीज़ देख के, उस टाइम पे ये होता है कि मैंने तो भाई मुझे तो पता है सब चीज़ देख के भैया 8 गुना 10 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो गया, लास्ट घंटे में तो और ज़्यादा होता है सब्सक्राइब, क्योंकि जो आप सब्सक्राइब देख रहे हो आप जैसे लोग, आप अकेले नहीं हो, आप जैसे लाखों लोग और हैं जो देखते हैं वेट करते हैं कि भैया कितना हो चुका है सब्सक्राइब, अब मैं भी करूँगा, तो वैसे लाखों लोग बहुत हैं। और लास्ट के 1-2 घंटे में अगर ऑलरेडी अच्छा खासा सब्सक्राइब हुआ है, जैसे 8-9 गुना अगर 1 बजे तक हो गया सब्सक्राइब, तो लास्ट के घंटे में वो 8-9 गुना 16 गुना 20 गुना 25 गुना कितना भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। लास्ट के घंटे में बहुत लोग आते हैं, एक एक दो दो लॉट फटाफट लगा के निकल लेते हैं। चलिए तो ये आपको उम्मीद करता हूँ डिटेल समझ में आई होगी, समझ आया तो
वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अपने तक इन्फॉर्मेशन मत रखिए, क्योंकि आपके फ्रेंड्स हैं वो भी फायदा लेते होंगे, आप किसी कंपनी में काम करते होंगे, आपके जो नोन है, हाँ भाई पॉलीकैब का आईपीओ आया है, सब्सक्राइब किया नहीं किया तो कर ले भाई, 1 घंटा बचा है देख ले, इतना सब्सक्रिप्शन हो गया, तो बताइए उसको भी, वो भी फायदा ले लेगा, क्यों ना वो भी पैसे कमाए। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो मैंने आपको वेबसाइट बताई जैसे stocksipo.info है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये लोग भी, डिटेल आपको पूरी BSE NSE की मिक्सड लिस्ट मिल जाती है। और अगर आपके पास और भी कोई डिटेल है जहाँ पे देख सकते हैं इन चीज़ों को, तो कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए, और व्यूअर्स को उनको भी पता लगेगा कि हाँ ये वेबसाइट है जहाँ पे बिल्कुल रियल टाइम डेटा मिलता है दोनों का मिला के, BSE NSE का दोनों को मिला के रियल टाइम डेटा मिलता है एग्जैक्ट, कि 2:30 बजे मैं देखूँ तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन, मुझे लाइव सब्सक्रिप्शन की डिटेल मिल जाएगी, इतना हो गया सब्सक्राइब। और वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।